Now we'll be doing a unit 4. It is based on division. तो इसमें अब डिवीजन हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भी अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ टॉफियां हैं और बच्चे थोड़े हैं, तो उनमें अगर हमने बराबर चीज़ें टॉफियां बांटनी हैं तो फिर हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पे हमारी डिवीजन काम आती है कि भी हम उनमें आपस में चीज़ें डिवाइड करें थोड़ी थोड़ी, और ऐसे इस हिसाब से डिवाइड करेंगे उनको सबको बराबर मिले। तो इसमें जो चार चीज़ें आती हैं डिवीजन के केस में, एक तो होता है डिवाइज़र जिससे हमने डिवाइड करना है। अब मैं जो टॉफियों का एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसमें आप ये समझ के चल लो कि ये 12 बच्चे हैं जिनमें 110 टॉफियाँ डिवाइड करनी है, और ये जो 110 यहाँ पे है ये डिविडेंड कहेगा कहलाया जाएगा। ये चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये डिवीज़र, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर जो है, आपको सारे सम्स जितने भी आने हैं आगे सब इसके ऊपर बेस होने हैं। तो अब इस एग्जांपल में अगर देखोगे तो 12 बच्चों में अगर 110 टॉफियां बंट रही हैं तो उनमें से 9 टॉफियां हर बच्चों को तो मिलेंगी पूरी बराबर, पर चूंकि 110 पूरी तरह से 12 के साथ डिविजिबल नहीं है तो 2 टॉफियां फिर भी ऐसी बच जाएंगी जो किसी को नहीं दी जा सकेंगी, वो एक्स्ट्रा बचेंगी। अगर बराबर बांटनी है तो वो 9 9 9 9 टॉफियां ही बराबर बंटेंगी 12 लोगों में। तो इसमें जो डिविज़र है, क्वोशेंट है, डिविडेंड है और रिमाइंडर जो है, ये सब इम्पोर्टेंट है इस डिविजन्स के सम्स में। तो कुछ सैम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब जैसे मान लो हमें डिवाइड करना है 84 को 4 के साथ। अब ये मान के चलिए जी कि 84 टॉफियां हैं और 4 बच्चे हैं, और टॉफियों को इस हिसाब से बांटना है कि सबको बराबर टॉफियां मिले, ठीक है? तो जब भी डिवीजन शुरू होएगी तो ये लेफ्ट साइड से शुरू होने वाली है। तो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा उसको हमने पहले ये देखना है कि ये जो डिविज़र है उससे ये नंबर बड़ा हो। अगर वो बड़ा नहीं है तो फिर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, फिर दो नंबर्स को इकट्ठा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा 8 4 के किसी 4 के जो टेबल है वहाँ पे कहीं भी इसमें ये आता है, तो 4 के टेबल को काउंट करना शुरू करना पड़ेगा। तो 4 1 4 है और 4 2 क्या आता है, 8, तो 2 फिर यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 8 आ गया तो हमारे को यहाँ पे क्या बचा, 0। ये 0 हो गया तो उसके बाद बारी आ जाएगी 4 की, 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 को हमने डील करना, अब 4 को दोबारा से हमने ये देखना है कि 4 जो है 4 के टेबल पे कहीं जाता है, तो आंसर इज 1, 4 1 4। तो यहाँ पे फाइनल क्या बचा, 0। अब ऊपर कुछ नहीं रह गया और नीचे भी रिमाइंडर 0 है। तो दिस मीन्स कि जो 84 टॉफियाँ होंगी, अगर मेरे को हमको 4 बच्चों में बांटनी है तो हर बच्चे को अगर हम 21 टॉफीज देंगे तो बराबर बराबर बंट जाएगी। बराबर बराबर इसलिए बंट जाएगी बिकॉज जो फाइनल जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 84 जो है 4 के साथ। तो इसी तरह से जो है हम बाकी सम्स भी करेंगे आगे जितने भी एक्सरसाइज वर्कशीट 1 में है, तो वो अब हम करेंगे। तो अभी करते हैं। अब इस सैम्पल में देखोगे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टॉफीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई भाई, 720 हो गई, और बच्चे भी थोड़े से बढ़ गए हैं, 10 हो गए। अब इनको डिवाइड करना है, 720 टॉफीज को डिविडेंड और 10 बच्चे हैं डिविज़र, इनको आपस में डिवाइड करना है और देखना है कि ये प्रॉपर पूरी की पूरी बनती हैं कि नहीं बनती हैं। तो जब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड से शुरू करना है, और यहाँ पे जब हम लेफ्ट साइड में देखते तो यहाँ 7 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 बड़ा है तो 7 छोटा है। अब 7 को सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट कैसे मिलेगी, हम दोनों नंबरों को इकट्ठा लेंगे। तो अब हमारे लिए नंबर बन गया 72।
अब 72 बन गया, अब हमें देखना है कि 10 के टेबल में 72 कहीं पे जाता है, तो आंसर इज नो, पूरा तो जाता नहीं है। तो फिर हम नियरेस्ट नंबर जहाँ पे भी ये जाता है हमें वो देखना पड़ेगा। तो 10 के टेबल में 72 के नियरेस्ट हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आंसर इज 70, तो ये ऊपर 7 आ जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 7 का तो 0 रह गया, और 2 में से 0 माइनस हुए तो आंसर आ गया 2, और ऊपर अब 0 पड़ा है, यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा। अब 10 के टेबल में देखते हैं 20 कहीं पे जाता है, तो आंसर इज 7 2 20। तो अब देखें रिमाइंडर कुछ आया, रिमाइंडर आया 0। तो अब जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो कोशेंट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भी इस केस में 720 टॉफीज अगर हम बांटते 10 बच्चों में, तो हर बच्चे को बड़े आराम से 72 टॉफियां मिल जाती, बिकॉज कोशेंट 72 था और रिमाइंडर 0 है, तो बराबर बढ़ती सब 72 72 टॉफीज। चलें कुछ और सैंपल्स लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है डिवाइड ओरली यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, मतलब ओरली से मतलब होता है कि फटाफट डिवीजन करनी है, और टेबल्स हमने यूज़ करना है इसमें। अब 15 डिवाइडेड बाय 5, इसमें आप देखो 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, तो आंसर क्या आ गया 3। फिर 56 डिवाइडेड बाय 8, अब हमें ये देखना है कि 8 के टेबल पे 56 कहाँ पे आता है, 8 5s are क्या होता है 40, 8 6s are क्या हो गया 48, और 8 7s are क्या हो गया 56, तो आंसर क्या आ गया 7। 63 डिवाइडेड बाय 9, अब 9 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, कहाँ से शुरू करें, चलें 9 5s are से शुरू करते हैं, 9 5s are 45, 9 6s are 54 एंड 9 7s are 63, तो ये 7 आ गया यहाँ पे। तो जितने भी ओरली डिवीजन वाले जो भी सम्स होंगे उनको हमने इस तरह से डिवाइड करना है। अब इसके बाद कुछ सिंपल से सम है, 17 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या आएगा आंसर, अब डिवाइड करना शुरू करोगे 17 को 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 के टेबल पे 1 यहाँ पे आ गया, इधर 1 आ गया, 0 7 नीचे आ गया, तो 7 के टेबल पे ये 7 आता है, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 क्या बना, 17 डिवाइडेड बाय 1 क्या बना, सॉरी 17। तो एक चीज़ याद रख लेना, कोई भी नंबर होगा अगर वो 1 से डिवाइड आएगा तो उसका आंसर हमेशा वो नंबर ही होने वाला है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप समझ लो, ये आपको दिमाग में रखनी है। फिर 0 डिवाइडेड बाय 8, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो वो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इजी हैं, ये आप खुद कर लेना है।